तो बेसिकली आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एमएस ऑफिस का कोर्स शुरू कर रहे हैं। एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के साथ हम आपके साथ बातचीत करेंगे एमएस वर्ड के ऊपर। ठीक है, पहले एमएस ऑफिस को एक बार स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस पैकेज है। ऐसा माना गया है कि आपको काम करने के लिए आपके ऑफिस ऑफिस का होना चाहिए, क्योंकि काम ऑफिस में काम करने के लिए जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती है एमएस ऑफिस वो प्रोवाइड करता है। क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जरूरत पड़ती है लेटर ड्राफ्टिंग की। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो किस तरह का लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप सादा कागज पे कुछ लिखते वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह या कुछ ब्राउचर वगैरह बनाते हैं, वो सब की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एमएस आपका वर्ड है। एमएस वर्ड एक तरह से समझिए कि आपके पास प्लेन पेपर है और प्लेन पेपर के ऊपर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिजिटल पेपर है और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए। पहली चीज। दूसरी, आपके पास आता है रजिस्टर। आपको हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए, इन आउट लिखने के लिए जगह एक एक रजिस्टर चाहिए होगा, लाइनिंग वाली जो होती थी पहले के स्कूलों में, ऐसे अटेंडेंस बनाने के लिए, कोई एंट्री रजिस्टर आने जाने के लिए। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक्सेल है, इसको मैं स्प्रेडशीट कर, राइट। तो ये हमारा स्प्रेडशीट होगा एक्सेल। उसके बाद आपको आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट, इसमें आप स्लाइड्स बना सकते हैं कुछ चीज प्रेजेंट करने के लिए आप, ओके, मीटिंग वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, या कोई ब्राउजर वगैरह, या स्टेप वगैरह होता है, एक स्टेप भी तो होता है ना, जरूरी कि प्रेजेंटेशन ही हो। लेकिन मान लीजिए ना कि आपके पास एक मशीन है, वो मशीन को ऑपरेट करना है, एक सादा कागज पर लिख दोगे तो आइडिया नहीं लगेगा ना। स्टेप बाय स्टेप हम स्लाइड पे उसको बना लेंगे ताकि हर कोई उसको देख के समझ सकता है, डायग्राम वगैरह, स्टेप्स वगैरह, तो हम पावर पॉइंट पे वो चीजें कर सकते हैं। इसमें ग्राफिक्स पे और इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीन चीजों की बात कर ली। चौथा आता है आपका एक्सेस, एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस में क्या होगा? डेटाबेस के लिए आप बोलेंगे सर डेटाबेस के लिए तो आप बताया था एक्सेल, हमने डेटाबेस के लिए एक्सेल नहीं बताया। हमने बताया कि अगर कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना है आपको, कैलकुलेशन वगैरह मेंटेन करना है, उसके लिए एक्सेल यूज होता है। एक्सेस होता है डेटाबेस के लिए, क्योंकि एक्सेल डेटाबेस के लिए परफेक्ट नहीं है। हालांकि डेटाबेस की तरह इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन डेटाबेस की बहुत सारी सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपका एमएस एक्सेस आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपके ऑफिस में काम करने के लिए, मेलिंग। आपको कुछ भेजना है, कुछ लेना है, क्या ये जरूरी है ना सर? पहले एक काम हम पोस्ट ऑफिस से करते थे, सेम चीज आउटलुक प्रोवाइड करेगा। अब बोले सर आउटलुक क्यों, हम तो जीमेल वगैरह, हॉटमेल वगैरह यूज करते हो। ठीक है, आप जीमेल हॉटमेल यूज कर सकते हो, लेकिन कंपनी के अंदर में उनका अपना एक आईडी होता है, जिसको हम लोग आईएमए या POP3 आईडी कहते हैं। तो अब उसके लिए एक ब्राउजर चाहिए होता है, वेब ब्राउजर। बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट को डिसेबल कर देती है, इंटरनेट सिर्फ आउटलुक में ही चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा, सिक्योरिटी पर्पज से। तो वहां मेलिंग के लिए आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। जी, समझ गया। चलिए आगे बढ़े। तो ये हम जो एमएस ऑफिस में सीखेंगे, ये चार चीजें मेनली जो है, पांच चीज वो सीखेंगे। हम सीखेंगे वर्ड, हम सीखेंगे एक्सेल, हम सीखेंगे पावर पॉइंट, हम सीखेंगे आउटलुक, हम सीखेंगे एमएस एक्सेस। जो पांच है, पंच पांडव की तरह, ये पांच जो है हम मेनली सीखेंगे। उसके अलावा हम आपको पब्लिशर के ऊपर नॉलेज देंगे। पब्लिशर फोटोशॉप की तरह होता है, ठीक है, ये आपका फोटोशॉप की तरह होता है। तो ये आपका पब्लिशर जो है, ये हम आपको पब्लिशर की तरह इसका इस्तेमाल करें। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ओपन नोट भी होता है, वन नोट जिसे बोलते हैं उसको, वन नोट, वन ड्राइव, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे जो आपको हम एमएस ऑफिस का वर्जन सिखा रहे हैं वो कौन सा है। तो सर वो है 365। अब आपके सिस्टम में 365 होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जैसा तो 365 आप लेंगे कैसे। देखिए एमएस ऑफिस के दो वर्जन है, एमएस ऑफिस 221 जो लेटेस्ट है वो है, वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको फ्री में मिल रहा है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे 599 ऑफिस प्रोफेशनल पर्स रिटेल लाइसेंस की ये सब जो मिले मिल रही है। तो अब इस पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे चीज़ों पर जाए, क्यों ये पता नहीं है आपको परमानेंट दे रहे हैं या मंथली दे रहे हैं क्या। लेकिन जब आप ऑफिस के अंदर जाते हैं, एमएस ऑफिस की जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाते हैं, तो वहां आपको ये चीजें मिलेगी, ठीक है। तो वहां जैसे अनलॉक नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको इसके कई सारे वर्जन्स मिलेंगे, कि पर्सनल फैमिली चाहिए या बिजनेस चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, एजुकेशन चाहिए। अब बारी बारी से इन सबों का प्राइस देख लेते हैं। पर्सनल एंड फैमिली पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो है 6199 फॉर द सिक्स पीपल, मतलब 1000 की मंथली ईयरली आपको पे करनी है, लेकिन 6 लोगों का ऐसा। लेकिन आप चाहते हैं कि फिर सिंगल चाहिए तो आपको 4899 पे करना। तो बाहर जो बेचते हैं ना, जो दिखाया था बेचते हुए, वो शायद उन्होंने ऐसे ही फैमिली पैक लिया होगा और फिर वो आपको बेच रहे होंगे, या कुछ और हो सकता है, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसमें और भी है, एजुकेशन है, चलिए एजुकेशन के फॉर बिजनेस तो हमें लेना नहीं है। हम यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक करते हैं कि एजुकेशन में क्या दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम है कि एजुकेशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एजुकेशन आपकी कॉलेज के थ्रू मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए फिर आपको फाइंड द पार्टनर दिख रहा है ना, आपको अपना पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, आपका पार्टनर नहीं, मतलब कि जो स्कूल है वो स्कूल आपका ढूंढना पड़ेगा, जो स्कूल माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिस्टेड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उनके थ्रू आपको मिलेगा। तो उनके थ्रू आपको फ्री भी मिल सकता है और पेबल भी मिल सकता है, पता नहीं। तो आप जो है जैसा समझे, ठीक है। तो यहां से आप ले सकते हो, ये वन टाइम ऑफ परचेज है, ये भी एक आपका वन टाइम भी है। यहाँ पे होम एंड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, वन टाइम परचेज में देखते क्या है। क्या बोले सर आप, ठीक, वन टाइम परचेजिंग में सर इसके लिए नहीं है, विंडोज के लिए नहीं है, ये आपका इसका है, वन टाइम में भी मिल रहा है, सिर्फ इतना ही मिल रहा है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, एक्सेस नहीं मिल रहा, देख लीजिएगा। अब पायरेटेड लेने की सलाह हम नहीं देंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि आप जो है यूज करें सिर्फ ये यूज करें, ऑफिस 365 यूज करें, आप 2016 अगर आपको मिल जाता है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2013 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन। रीजन ये है कि जब आप सीख ही रहे हैं तो लेटेस्ट सीखे, आज में आपके पास 13 है या 16 है, कल का डेट में तो 21 आ जाएगा, दोबारा फिर सीखेंगे आप क्या सर। चलिए तो हम जैसे कि हमारी बात हुई, हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड से। तो एमएस वर्ड को हम ओपन करें, सबसे पहले जब एमएस वर्ड आप ओपन करते हैं
तो आपके पास इस तरह का विंडो आता है। अब ये विंडो चेंज हो सकता है, जैसे म्यूजिक देख रहे हैं आपको ऑरेंज दिखेगा, लेकिन ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको जरूर दिखेगा। उसके अलावा ये यूज की गई टेम्पलेट्स और यहाँ पे मेरे रिसेंटली फाइल दिखेगा। रिसेंटली फाइल वो होते हैं जिसे मैंने तुरंत खोला हुआ है, समझे? जस्ट मैंने उसको ओपन किया है तो रिसेंटली फाइल आपको दिखेगी, राइट सर? लिस्ट चेंजेबल भी है, अब इसे जैसे फाइल खोलते जाएंगे तो चेंज होते जाए। इसमें भी तीन चीजें हैं, जैसे पिन, पिन जो आप दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पिन भी दिख रहा होगा। अब जैसे कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि ये अनुराग कुमार का फाइल में बार बार खुलते रहता तो मान लीजिए, या यहाँ पे कॉपी पेस्ट सेल कंटेन जो है बार बार ओपन करते रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया। पिन करने से क्या हो गया, अब एक मेरे इस पिन लिस्ट में चला गया जो रिमूव अपने आप से नहीं हो, रिमूव मुझे ही करना पड़ेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है? शेयर विथ मी, किसी ने मुझे फाइल शेयर किया है तो उसका यहाँ पे आता है। उसके बाद न्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे न्यू है, उसके अलावा इसको बोला जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब बनी बनाई फॉर्मेट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके बॉस ने बोला कि मुझे एक बिल बनाना है, अब बिल बनाने के लिए आपको टाइम नहीं है या आपको आइडिया नहीं कि बिल कैसा होता है, तो आपने बिल सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइसेस के फॉर्मेट आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको करना है क्लिक और करना है डाउनलोड, क्रिएट। क्रिएट होते ही पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लोगो डाल दीजिए, यहाँ पे अपना कंपनी का स्लोगन, बाकी नेम एड्रेस वगैरह चेंज कर दीजिए, बन गई बिल आपकी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको यूज करने के लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपके बॉस ने बोला कि यार सर्टिफिकेट बनाओ, थोड़ा सा मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करना है, तो मैंने सर्टिफिकेट को सर्च किया। कितने सारे सर्टिफिकेट के यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन है, अब इसमें से जो आपके ऑफिस के सुटेबल लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो इसी के ऊपर है आप यही बना के दें और बाकी खुद से ना बनाए इसी के कर दें, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और साथ ही इससे एक चीज़ और भी है, इससे आपको पता भी लग रहा है कि वर्ड पे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। क्या ये आपका देखिए विजिटिंग कार्ड का लोगो आ गया, विजिटिंग कार्ड का आ गया, हम विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। वो पे उसके बाद यहाँ बहुत सारी चीज और भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो न्यू उसके लिए बनाया गया। न्यू के बाद नीचे आता है ओपन, आप यहाँ से पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं, चाहे एक लोकेशन में है या रिसेंट। अब यहाँ रिसेंट में भी बहुत सारा आ गया, और रिसेंट में आपके फोल्डर्स भी आते हैं, यहाँ से फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। इस पीसी वन पी यहाँ पे ऐड पैलेंस, कोई अगर नेटवर्क ड्राइव उसको ऐड कर सकते हो। अब नेटवर्क ड्राइव क्या होता है पता है सर आपको? देखिए दो तरह का ड्राइव होते हैं, लोकल ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव। लोकल ड्राइव हुआ जो आपके इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क है, नेटवर्क ड्राइव जो आप इंटरनेट या लैन केबल के जरिए किसी और से कनेक्टेड है, किसी और सर्वर से पीसी से कनेक्टेड है। ओके, बट उसका जो स्टोरेज है वो अपने हार्ड डिस्क पे नहीं है। नहीं, वो इंटरनेट पे है, क्लाउड में है। इंटरनेट पे जी, समझे? अब यहाँ पे वन ड्राइव भी दिख रहा है सर आपको, ये वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया। जब माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आप खरीदते हैं तो आपको 1 TB पर यूजर के हिसाब से आपको क्लाउड पे स्पेस दिया जाता है।
ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? फायदा वो आता है कि आप किसी भी कंप्यूटर में जाएंगे, एमएस ऑफिस, आप एक एक तो एमएस ऑफिस को आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो अगर 365 है तो आपके सारे फाइल मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, मेरे फाइल ही देखिए, मैं यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट पे आता हूँ तो यहाँ पे सुजीत कुमार, यहाँ पे एक बार लोकल ड्राइव एफ डेटा एमएस एक्सेल दिख रहा है, ते मेरे लोकल हाँ पीसी में पड़ा है, लेकिन सुजीत कुमार वन ड्राइव डॉक्यूमेंट ए मेरे क्लाउड पे पड़ा हुआ है। अब इसको मैं कहीं भी लॉग इन करके इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, सारे फाइल। हाँ, किसी और पीसी पे भी काम कर रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में एक ही आईडी से पांच सात छह है ना, छह या जितने भी है कनेक्ट हो जाते हैं पीसी। तो उससे क्या होता है कि अगर मैं कोई एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ तो मेरे दूसरे पीसी पे भी वो चीज शो हो जाएगी। जैसे कि मैं कभी कभी क्लास अपने गाँव से ही, पापा घर से ही ले लेता हूँ, तो पापा के घर पे लैपटॉप कैरी करके ले जाता हूँ, वहाँ पे डेस्कटॉप है मेरे पास i7, तो प्रॉब्लम होती है फाइल्स वगैरह की, तो फाइल्स यहाँ से वहाँ ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, वन टाइम। उसके बाद इंफॉर्मेशन होती है आपकी फाइल्स से रिलेटेड, कि आपका फाइल का साइज क्या है, पेज कितने हैं वगैरह वगैरह। सेव फाइल को आप सेव सेव एज कर सकते हैं, सिंपल सा है। सेव एज करते समय कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का टाइप होते हैं, इन टाइप के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में। उसके अलावा सेव एज पी अडोब पीडीएफ, अभी ये सेव अडोब पीडीएफ जो दिख रहा है, मैंने अडोब पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, इसलिए एक ऑप्शन यहाँ ऐड हो गया है, वरना नहीं होता है। प्रिंट, आपका प्रिंट का ऑप्शन है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। शेयर, इसको ईमेल के थ्रू, या आपके आपका पी अगर आप वन ड्राइव अगर यूज करते हो, क्या बोलते हैं उसको, शेयर पॉइंट यूज करते हो, तो शेयर पॉइंट के जरिए यूज कर सकते हो। प्रेजेंट ऑनलाइन, आप सीधे प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना होगा, तो आपको कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट, इसको पीडीएफ और अलग फॉर्मेट में आप यहाँ से एक्सपोर्ट ले सकते हो। ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपका जो पेज है ना, आपको लग रहा है कि आपको इस तरह के पेज में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया और ट्रांसफॉर्म भी क्लिक किया और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, आपका डेटा इस पेज में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। हालांकि इसके यूज हम बाद में बताएंगे आपको, इसको फिलहाल इग्नोर करें। क्लोज, क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आती है आपकी अकाउंट सेटिंग, आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी वगैरह को लॉग इन कर सकते हैं, यहीं से लॉग इन करना जरूरी है, तभी वन ड्राइव वगैरह यहीं से कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपडेट वगैरह कर सकते हो, कुछ नई चीज़ देख सकते हो कि क्या नया, क्या कुछ नया आया है, अगर कुछ अपडेट होता है तो। फीडबैक, अगर माइक्रोसॉफ्ट में कुछ बताना चाहते हो कि हाँ ये फीचर ये जरूरी है सर, देखिए आपको हमको यूज तो एमएस ऑफिस करना ही करना है ना सर, तो जितना बेटर होगा, जितना एडवांस होगा, उतना फायदा है ना हमारे लिए, तो आप सजेशन देते रहिए, अगले आने वाले वर्जन में वो चीज डालते रहेगा वो। उसके बाद ऑप्शंस में एक्सेल के अंदर की जो, इसके अंदर की जो डिटेल्स होती है वो होता है, अब इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सेल की सेटिंग जो आपका एमएस ऑफिस का जो सेटिंग होता है, इसी के अंदर में अवेलेबल है। ओके सर, ये थी हमारी एमएस ऑफिस की बारे में। अब आपके पास कौन सा ऑफिस, एमएस ऑफिस है, एक बार उसको देख लीजिए, उसी से आपसे सारे फीचर को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट, चलिए दिखा दीजिए, स्टॉप शेयर, मेक इट मोस्ट, आप कीजिए, आप कीजिए, आप दिखा सकते हैं।
दिखा दिखाई ना, ओपन किसी ने ओपन करके पता चलेगा। इसमें आइए, फाइल पे आइए, फाइल पे अकाउंट पे आइए, मैनेज ये 2019 है आपका सर, 2019 है, लेकिन ये मेरे हिसाब से पायरेटेड लग रहा है। अच्छा एम ए आपने एम एस आपके यहाँ एम एस एक्सेस कैरी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, और आउटलुक भी कैरी नहीं हो रहा है आई थिंक। आउटलुक है सिस्टम में देखिए तो, नहीं आउटलुक नहीं है, एम एस एक्सेस भी नहीं होगा। एमएस एक्सेस का तो खैर इसमें कहाँ आउटलुक दिख रहा है बताइए, नहीं क्या लिखा हुआ है, सर्च आउटलुक डॉट कॉम दिख रहा है ना, क्लिक करते इंटरनेट ओपन हो जाएगा, आउटलुक डॉट कॉम खुल जाएगा। इंटरनेट ओपन हो जाएगा और आउटलुक डॉट कॉम ओपन हो जाएगा सर। अच्छा नहीं तो फिर आउटलुक अलग हो, ये सिस्टम आउटलुक अलग है, वेब आउटलुक अलग है, दोनों अलग अलग है। तो आउटलुक डॉट कॉम क्रोम पे खुल जाएगा, जीमेल कैसे होता है सर, आउटलुक डॉट कॉम की ईमेल आईडी खुल जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे ठीक है ना, फिलहाल तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ ले ठीक है। तो अब अपने अभी आपको क्या करना है, एक मिनट मैं वापस यही कीजिए, अभी क्या कीजिए आप जाइए न्यू पे, अभी आपके पास होमवर्क क्या है कि आप न्यू पे जाइए और यहाँ जो बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं ना सर, इन टैम्पलेट को कीजिए डाउनलोड और कीजिए एनालाइज कि कैसे वो बना। ये चीज़ें आपको, हाँ ये चीज़ें आपको जो है ये आएगी, आपको जो है चीज़ें काम करने में आप मदद करेंगे, मतलब कि आप जब इसको सीखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो आपके दिमाग में चीज़ें आइडिया आ जाएगी ठीक है। ठीक है चलिए, तो चलिए जैसे आप बताया था कि स्लोली चलेंगे तो आज